हाय, आज कुछ डिस्कस करते हैं कि आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने बेसिक क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, जिसमें तीन मेन चीज़ें आते हैं। आप रेजिडेंशियल ले सकते हो फ्लैट, आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, या फिर आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये करते वक्त आपने बेसिकली कहाँ पर करना चाहिए बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो आज इससे रिलेटेड टिप्स देती हूँ कि आपने कौन सा टूल रियल एस्टेट में कब सिलेक्ट करना चाहिए। सो पहला पॉइंट तो आता है, पहली टिप ये है कि आपका पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कि आपको किस लिए लेना है, ये बहुत क्लियर कट होना ज़रूरी है। आपके गोल, आपके फ्रेंड के गोल, आपके भाई के गोल, ये डिफाइन अलग अलग वे से हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अ करियर, डिपेंड ऑन अ फैमिली, डिपेंड ऑन मेडिकल इमरजेंसी, ये सब कंसिडर करके आपने डिफाइन करना है कि आपका रियल इस्टेट गोल क्या है। अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए तो रेजिडेंशियल फ्लैट आपका गोल है। अगर आप 40-45 की उम्र में हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा पैरेलल इनकम हर महीने का मेरा खर्चा चलता रहे, तो उस केस में आपने अच्छा सा कमर्शियल देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है मुझे 5 साल के लिए पैसे को हाथ नहीं लगाना है बट पैसा बहुत बढ़ाना है, तो उस केस में आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकेंड टिक, आप जब रियल एस्टेट बाय करने के लिए जाओगे उस टाइम एक चीज़ कंपल्सरीली देखनी चाहिए कि आपको लिक्विडेट कब करना है, उसका टाइमलाइन तभी डिफाइन होना ज़रूरी है। लिक्विडेशन के बारे में बताया जाए तो मिनिमम 1 साल पहले अगर कोई भी रियल एस्टेट असेट आप लिक्विडेशन के लिए निकालते, उतना टाइम प्रॉपरली लिक्विडेशन के लिए लगता है। तो आप जब घर ले रहे हो, रहने के लिए ले रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लिक्विडिटी टाइमलाइन पता होना चाहिए, बट जब कमर्शियल या लैंड लेने जा रहे हो तो आपका डिफाइन होना चाहिए कि मुझे 5 साल के बाद या 6 साल के बाद बेचना है। तो आपने प्रायर इंटीमेशन दे के उस हिसाब से लिक्विडेशन करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू अच्छी आ सकती है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग रियल एस्टेट पोर्टफोलियो प्लान करने के लिए, आप जिस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको पता है कि आपकी कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक FD है, SIP है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, ये हर साल कितने परसेंट से चल रहा है ये आपको पता होता है, उसी तरह से आपने आपका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हर साल कितने परसेंट से चल रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। माइट बी आपने 1999 में कहाँ पे तो मॉडल कॉलोनी में पूना में 3 करोड़ के वैल्यूएशन का फ्लैट लेके रखा हुआ है, करंट वैल्यूएशन बहुत अच्छा है बट आपको रेंटल इनकम 25,000 के आसपास आ रहा है, तो आपने रियली सोचना चाहिए कि ये पैसा निकाल के मैं अगर कमर्शियल और लैंड में कुछ परसेंट में बंटवा देता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न और अच्छा हो सकता है। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स व्हेन यू आर बाइंग रियल एस्टेट। फर्स्ट, नो योर पर्पस, समझ लो आपका क्या है। सेकेंडली, आपको कब लिक्विडेट करना है वो डिफाइन कर लो। एंड थर्डली, आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट से चला है वो देख लो। थैंक यू सो मच।